हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टॉलर वर्ल्ड। आज हम आप लोगों को ले चलेंगे जंजैहली घाटी के आसपास की कुछ एक लोकेशंस में, जहां आप अपना फैमिली वेकेशंस बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। अभी जो आपके सामने नज़ारा दिख रहा है, यह है जंजैहली घाटी का नज़ारा। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप भी जी भर के देख लीजिए। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जंजैहली से थोड़ा ऊपर, और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि किस तरह का रास्ता है और रास्ते में आसपास किस तरह का व्यू है। देखिए कितना शानदार नज़ारा है। जो अभी मैं जो यहाँ जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये जंजैहली से शिकारी देवी रोड। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं और कितना अच्छा नज़ारा है, बेहद ही खूबसूरत। खेत के बागीचे दिख रहे हैं और इसके ऊपर जो नेट लगी है, कितनी खूबसूरत दिख रही है, आप लोग भी देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। गाड़ी में थोड़ी धूल जम गई है, गाड़ी का शीशा साफ कर लेते एक बार, फिर आपको और ज़्यादा अच्छा व्यू दिखेगा। सेब के बागीचे के बीचों बीच कितना बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। अब लोग हम थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है और बहुत से लोग यहाँ पे गर्मियों में अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं। स्कूल के बच्चे भी आज भी दिख रहे काफ़ी ज़्यादा लोग उधर सामने। तो हम लोग भी चलो उतर के आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम किला, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोगों का कभी बने प्लान तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है, तो अभी हम लोग पार्क के अंदर एंटर होते हैं। अभी थोड़ा लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए पार्क का व्यू, थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए अभी इसकी खूबसूरती थोड़ी ख़राब हो चुकी है, बट लगता है कुछ टाइम में ये जल्दी इतना जितना ये पहले था उतना ही ज़्यादा खूबसूरत वापस होने वाला है। देखिए कितनी शांति है यहाँ पर, और देवदार के बड़े बड़े पेड़। इधर कुछ बन भी रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वालों का, समथिंग आई थिंक इंटरप्रिटेशन सेंटर लाइक। लोग कहते हैं इट लुक्स लाइक मिनी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का तो पता नहीं, लेकिन खूबसूरत तो बहुत है ये। देखिए आप लोग, कितने खूबसूरत पेड़, और आज वेदर भी बहुत अच्छा है, क्लाउड्स भी कितने प्यारे दिख रहे हैं। वो देखिए बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, कितना खेल कूद रहे हैं। लगता है स्कूल का जो बर्डन है इनके ऊपर पड़ा हुआ, वो सारा आज इनके सिर से उतर जाएगा और ये बिल्कुल फ्रेश होकर घर वापस जाएंगे। जगह ही ऐसी है, यहाँ पे कोई भी आता है तो बिल्कुल फ्रेश होके जाता है वापस। आप लोग भी ज़रूर विज़िट करिए एक बार। अभी ये जगह ज़्यादा फेमस नहीं है, बट धीरे धीरे हो जाएगी। आप लोगों का कभी प्लान बने तो ज़रूर आइएगा। अभी कुछ लोग तो बोलते हैं कि यार ये जगह तो हमने इस तरह की जगह हमने आज तक कभी देखी नहीं, इसमें अपनी एक अलग खासियत है। और हाँ, सच में ये खासियत है अभी इसमें। अभी यहाँ मेरे पीछे कुछ ट्री हाउसेस बने हुए हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाए हैं। मैं आपको अभी वहाँ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ का थोड़ा सा व्यू।
देखिए बच्चे कितना मजा लूट रहे हैं यहाँ पे, भर भर के मजा लूट रहे हैं। से आयो मदर चॉइस स्कूल जिंजली। आप लोगों को यहाँ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा ओके एंजॉय। ये देखिए ये ट्री हाउसेस है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने बेहद ही खूबसूरत और प्यारे हैं। लगता है नेक्स्ट ईयर हम लोग आएंगे तो इसके अंदर का नज़ारा आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए ये वाला भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी लकड़ी का यूज़ किया है सिर्फ छत को छोड़ के। ये वाला तो ये लोहे के स्ट्रक्चर पे खड़ा करा हुआ है इधर, बट आई थिंक वो सामने वाला नहीं, वो सामने वाला पेड़ के ऊपर है पूरा। बच्चों का अच्छा खासा इंतजाम करके रखा है नाच गाने का भी, ताकि बच्चों का पूरा मन लगा रहे। देखो कितना एंजॉय ले रहे छोटे छोटे बच्चे। चलो चलो किसकी बारी है? ओके इट्स योर टर्न। तो अभी थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे, फिर वहाँ से आपको और भी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे की ओर निकल रहे हैं और इधर देखिए नीचे कितना सुंदर और प्यारा सा कैंपस है, कॉटेजेस बने हैं छोटे छोटे, कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। और देखिए नीचे एक नदी भी है और साथ में ग्रीन मीडोज और हरे भरे खेत। बहुत खूबसूरत है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए पहाड़ों पे जो घर है और जो गांव है वो भी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जो पूरा जो एरिया आता है, ये जो रोड जाती है बीच में, तो ये पूरा का पूरा जो है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। तो सेंचुरी जो सेंचुरी एरिया होने के कारण जो यहाँ डेवलपमेंट रोड की डेवलपमेंट है उस वजह से थोड़ा डिले हो गया काम, मगर अभी तो काफ़ी अच्छा सब कुछ लग रहा है। रोड भी और खड्डे भी नहीं है रोड में। ओह धूल तो ज़रूर है। हम लोगों का जो लास्ट स्टॉप होने वाला है वो यही होने वाला है, यहाँ का नाम है रायगढ़। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ स्पेशली मैं ये जगह आपको दिखाने के लिए आया था। तो अभी यहाँ से ऊपर शिकारी देवी टेम्पल जो है वो तो 6 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ तक तो हम लोग नहीं जाएंगे।
मैं तो अपनी गाड़ी यहीं पार्क करने वाला हूँ। तो जी ये है रायगढ़ की खूबसूरती, इस खूबसूरती से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ अभी। देखिए भाई कितनी खूबसूरत जगह है, वो देखिए वो सामने से गाड़ी उधर, और वहाँ पे अपना टिकट लेके ऊपर के लिए रवाना। अभी अक्सर आता रहता हूँ। जब भी आपको कोई मेंटली फ्रस्ट्रेशन हो रही हो या कोई और दिक्कत हो तो इस तरह की जगहों में बैठने का अपना ही कुछ अलग ही मज़ा आता है। ये देखिए उधर से करसो के लिए भी रास्ता जाता है। चलो भाई यहाँ पेड़ की छाया में बैठा जाए और यहाँ से निहारते हैं अपना सामने का नजारा। भाई कितनी गाड़ी की आज शिकार देवी के लिए 100 से कुछ लिए हैं। शनिवार को जाते नहीं जाते गाड़ी, तीन चार सौ तो जाती है। आज का अपना ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगा। शिकारी देवी टेम्पल आपको नहीं ले गया, वहाँ अगली बार लेके चलेंगे कभी। वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। सो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो कैसा लगा, उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोगों के लिए मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि शिमला मनाली जैसे कि पहाड़ वाले शहर चाहिए ज़रूर, मगर एक बार ज़रूर यहाँ जंजैली वैली को विज़िट करें, क्योंकि जो इस वैली में खासियत है वो शायद शिमला और मनाली में ना। वहाँ की अपनी एक खासियत है, मगर यहाँ की एक खुद की एक अलग खासियत है जो आपको शायद ही हिमाचल में देखें और किसी और लोकेशन पर देखने को मिलेगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।